तो भवनदीप और अनीता दोनों साथ में चंपावत है, इसका बड़ा प्रूफ निकल के सामने आ चुका है जी। अब फाइनली पिक्चर निकल के सामने आ ही गई है, भले ही ये ब्लर हो लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पवनदीप और अनीता दोनों साथ में चंपावत में रुके हुए हैं। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इसके साथ एक और प्रूफ निकल के सामने आया है, न्यूज़पेपर की कटिंग निकल के सामने आई है। यहाँ पर अगर हम फोटो की बात करें तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो फोटो क्लिक कर रहे हैं वो शायद फैंस हो सकते हैं, और यहाँ पर पवनदीप के पापा दिखाई दे रहे हैं, अरुणिता दिखाई दे रहे हैं, और बाकी दूसरे लोग हैं वो भी शायद चंपावत के ही हैं, और ऐसे में ये फोटो निकल के सामने आया है। अब ये फोटो तब का है जब ये पूजा करने के लिए इनके पैतृक गांव में गए थे, और इसकी कंफर्मेशन है वो एक वहां के लोकल न्यूज़पेपर ने ही कर दी जी। फोटो के साथ उन्होंने यहां पर आप देख सकते हैं, आपको वो अगर पढ़ के सुनाएं तो गायक पवनदीप राजन ने पैतृक गांव में की पूजा अर्चना, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा हेडलाइन में कि अरुणिता भी पहुंची है पवन के साथ, दोनों को देख उत्साहित दिखे लोग, सेल्फी लेने की लगी रही होड़। और आपको वीडियो भी दिखाया था कि पवनदीप ने वहां पर पहुंचकर खूब धमाल मचाया था गांव वालों के बीच में, नया साल है वो सेलिब्रेट किया था, तो साथ में अरुणिता भी थी। अब देखो प्लानिंग इनकी पहले हो चुकी थी, और ये चीज ये बाहर नहीं निकालना चाहते थे कि अरुणिता है साथ में, क्योंकि इनको सिर्फ एक दो दिन के लिए नहीं रुकना था, करीब 6 से 7 दिन हो चुके हैं रुके हुए, तो ऐसे में इसलिए ये कुछ भी लीक नहीं करना चाहते। तो फाइनली अब तो आपको कन्फर्म हो चुका होगा कि अरुदीप दोनों साथ में चंपावत में है, कितने ज्यादा हैप्पी और कितने ज्यादा खुश है। बाकी फोटो वीडियो आएंगे लेकिन जब ये वापस मुंबई पहुंच जाएंगे तभी बाहर निकल के आएंगे, जो आपको हम जरूर दिखाएंगे। मिलते हैं कुछ ही देर में अरुदीप की नई और बड़ी अपडेट के साथ।